कोटपुतली में एक मजार को लेकर विवाद हो गया। वहीं कोटपुतली पंचायत समिति की खाली जमीन पड़ी हुई थी जिस पर खेती की जा रही थी। इस जमीन पर वर्षों से मामा भांजी के नाम से मजार बनी हुई थी, लेकिन रातों रात इस मजार को गिराकर जमीन को समतल कर दिया। जमीन पर चार तरफ चार दीवारी बनी हुई थी। लोगों को पता चलते ही लोग वहाँ इकट्ठे होकर विरोध करने लगे। विरोध को देखकर एडीएम जगदीश आर्य, एएसपी विद्या प्रकाश, तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। प्रशासन इसे अज्ञात व्यक्ति का कार्य बता रहा है, जबकि लोगों का कहना है बाउंड्री को जेसीबी हटाकर घटना को अंजाम दिया गया। प्रशासन द्वारा पुनः इसी स्थान पर मजार बनाने का आश्वासन लोगों को दिया गया। वहीं घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात कर गेट बंद कर दिए गए। किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। आपका नाम? सद्दीक, मोहम्मद सद्दीक। क्या मामला है ये? कब्रस्तान का मामला साहब। ये कब्र थी मारे माँ मान जोगी, इन रात डाली गई इनको, समझना, कोई सुनाई नहीं करा कोई चीज के लिए। प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई रातों रात, उससे पहले क्या आप लोगों को अवगत करवाया गया? ना, नहीं कराया गया। नहीं, किसी प्रकार का लीगल नोटिस कोई चीज नहीं दिया गया। आगे क्या मांग आपकी? हमारी मांग है माँ मानने के बाद दोबारा बनाई जाए। एक पुरानी मजार थी और तीन पेड़ थे, जिसमें एक तो विशाल बरगद था। यहाँ पे देखा गया कि रात्रि को कोई अज्ञात लोग बता रहे हैं कि इनको ढाबी गए हैं और पेड़ को काट दिया। क्या कहना आप मौके पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें चारों तरफ से बाउंड्री लगी हुई है। जेसीबी के द्वारा इन पेड़ों को और मजारों को उखाड़ा गया है, इसलिए आप ये तो कह ही नहीं सकते कि अज्ञात व्यक्ति थे। जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से यहाँ पे जो यहाँ का राज्य मंत्री उसी की सैक के ऊपर यहाँ के वीडियो ने जो घटनाक्रम किया, और ये चाहते थे कोटपुतली के अंदर दंगा बटके और लोग आपस में लड़ें, खून खराबा हो, उसी के तहत इन लोगों ने यह मजारे जो आप देख सकते हो इनको उखाड़ा है, तीन पेड़ों को उखाड़ा है। तो आप अगर जेसीबी चली है देख सकते हो किस प्रकार से पूरी यहाँ तक की बिजली लगाकर और जैसा नंगा नाच यहाँ किया है, और वो भी सरकारी भूमि में। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी जब वीडियो से बात की तो वीडियो ये बता रही है कि हमें पता ही नहीं। आप लोग सो समझते हो कि पिछले समय से किस प्रकार से ये लोग, जिस प्रकार से कोटपुतली में जो भाईचारे का जो वातावरण था उसको दूषित करने का कार्य कर रहे हैं ये लोग। मनमर्जी के आधार पे ये अगर ये सोचते हैं कि भाई हम आपस में इनको लड़ा के और इसी प्रकार से कार्य करें, तो कोटपुतली का आम आदमी समझ चुका है। और हमने अभी एसएचओ साहब, एसपी साहब जब आए, एडिशनल एसपी साहब आए, तो उन्होंने कहा कि वाक्य में जो घटना घटी है और हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे और जो मजारे हैं वो वापस बनाएंगे, और जो पेड़ हैं, खैर बड़े पेड़ तो नहीं, लेकिन जो वापस पेड़ लगाएंगे उसके बाद लोगों में शांति है। और हम सब ने कहा है कि हम सब लोग एक हैं, हमारा धर्म अलग हो सकता है, हमारी जात अलग हो सकती है, लेकिन कोटपुतली के हैं, कोटपुतली के हम सब भाई हैं और मिलकर इसी समस्या का समाधान करेंगे। किसी प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाई हम नहीं करने देंगे, लेकिन अगर प्रशासन ने फिर भी इसमें लापरवाही बरतने की कोशिश की तो ये कोटपुतली के लोगों की तरफ से पहल नहीं होगी, बल्कि प्रशासन की तरफ से होगी। जिस प्रकार से पंचायत समिति में दिन दहाड़े जो घटना हो रही है, आप लोग देख सकते हो कि चारों तरफ की बाउंड्री होने के बावजूद वीडियो अब तक आई है, और वो भी जब आई है जब कलेक्टर को मैसेज किया, और कलेक्टर के बाद में एडीएम साहब आ गए, तहसीलदार साहब आ गए, और उसके बावजूद भी उनको सिर्फ यहाँ 5 कदम दूरी पर आ नहीं सकती। इन सब ऐसी घटनाओं के लिए यहाँ का प्रशासन, जिस प्रकार से जो कोटपुतली जो पंचायत समिति की जो वीडियो है वो जिम्मेदारी नहीं, उसी के सह पे ये काम हुआ है। लेकिन सर, जैसे माना जा रहा है कि सर्व समाज इसको पूछता था, यहाँ आते थे, धूपबत्ती करते थे, तो इसके लिए विशेष दोषी किसको मानते हैं? जिनको टेंडर दिया गया है वो या स्थानीय जो जन अधिकारी उनको? देखिए, सबसे पहले तो मैं दोषी उनको मानता हूँ कि अगर आप पंचायत समिति ने टेंडर दिया है तो, क्योंकि ये काफ़ी वर्षों पुरानी, जब हम लोगों का जन्म नहीं हो तो उससे पहले 100 वर्ष पुरानी जो मामा भांजा की मजार है, और ये किसी धर्म विशेष की नहीं है, इसको हिंदू धर्म भी उतना ही मानता है तो मुसलमान धर्म भी उतना ही मानता है, यहाँ सभी लोग आते हैं, सभी आस्था। और ये कोई आप लोग ये सोचते हो कि ये कोई घटना, नहीं नहीं, ये इन लोगों की सोची समझी चाल थी कि कोटपुतली में जो भाईचारा है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसके तहत इन लोगों ने ये काम किया। सर, वीडियो का कहना है कि हमें तो पता ही नहीं है और इतनी बड़ी घटना हो गई, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो पता नहीं है? देखिए, यहाँ पे लोग लगे हुए हैं और उनकी चाबी पंचायत समिति के पास रहती है। जब जेसीबी इसके अंदर आई है तो ऑटोमेटिक ये चाबी लेकर फिर घुसे, नहीं कि ताला तोड़ के घुसे, और पंचायत समिति के अंदर से इन लोगों ने लाइट ली है, इसलिए ये वीडियो जो कह रही है वो सरासर गलत है।
और इनके हमने अभी जो बात भी रखी वो सबसे पहले यही रखी कि वीडियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे हम लोग, और जब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कोटपुतली का आम आदमी शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि जो घटना इन्होंने करने की कोशिश की है ये तो एक सौभाग्य की बात है कि कोटपुतली का आम नागरिक आज समझदार है, सभी धर्म के लोग समझदार हैं, और आपस में हम सब ने मिलकर एक बात की जिस भी घटना जो लोग ये चाहते थे कि यहाँ पर खून खराबा हो, लेकिन हम सभी भाई है, हम चाहते हैं कि आपस में हम सब का खून एक है और किसी प्रकार की ऐसी अप्रिय घटना या नहीं घटे। थैंक यू सर। परिसर में जो खेत है यहाँ पे कोई पुरानी मजार थी और दो तीन पेड़ थे, आज उनको रातों रात ढहा दिया गया है, आप मौके पे सर क्या कहना चाहेंगे? मेरे सामने ये बात आई कि पंचायत समिति की जो ज़मीन कृषि के लिए ठेके पे दी गई है उसमें दो पेड़ काट दिए और उन पेड़ों के नीचे मामा भांजा की मज़ार थी उनको ध्वस्त कर दिया गया, ये जानकारी आई। तो पेड़ जो कटे हुए हैं और जिसने भी ये पेड़ काटे हैं और उसकी वजह से जो मज़ार ध्वस्त हुई है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सर मुकदमा दर्ज होगा किस तरीके से क्या होगा? नहीं नहीं, जो विधिक रूप से जो भी प्रभावित पक्ष है वो FIR दर्ज कराएंगे। तो सर ये मैटर क्या पंचायत समिति की नॉलेज में नहीं था, जैसे कि मैडम कह रही हैं कि मेरी नॉलेज में नहीं था, तो आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस तरीके से काम कर गया? इस विषय में तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि बाकी यदि बिना नॉलेज के कोई कार्रवाई हुई है तो वो एक बड़ी गलती है। सर जैसे अभी सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और कुछ चाह रहे हैं कि वापस से मज़ार बनाई जाए, तो इसके लिए प्रशासन और यहाँ के स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए? जो सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए हैं उनसे वार्ता हुई है और वो इस बात पे सहमत हैं कि जो मामा भांजा की मज़ार है उसकी पुनर्स्थापना की जाए और इस पर सहमति बनी है और इसकी पुनर्स्थापना अभी करवाएंगे, मरम्मत का काम अभी चालू कराएंगे।